विश्व हिंदू परिषद संगठन के आह्वान पर संपूर्ण भारत में जिहादी आतंकवाद टारगेट किलिंग के विरोध में पुतला जलाने एवं विरोध स्वरूप ज्ञापन देने के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल जिला सिरमौर में जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम पौंटा साहिब में हुआ, जिसमें आक्रोशित कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदुओं सिखों को टारगेट कर मारा जा रहा है, जो टारगेट किलिंग जिहादी आतंकवाद की इस घिनौनी मानसिकता को प्रकट कर रहा है। पौंटा साहिब में उपमंडल अधिकारी एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति विश्व हिंदू परिषद ने पौंटा साहिब में प्रेषित किया एवं विश्व हिंदू परिषद ने संपूर्ण भारत वर्ष से जिला स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से यह आग्रह किया कि इस घिनौनी मानसिकता के लिए टारगेट किलिंग करने वाले जिहादी आतंकवादियों के ऊपर केंद्र सरकार तुरंत कठोर कार्यवाही करते हुए नकेल कसे। आज विश्व हिंदू परिषद जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, हम लोग यहाँ पौंटा साहिब गुरु की नगरी में सभी इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले कुछ समय से जो है एक जिहाद आतंकवाद जो है टारगेट किलिंग एक नया कंसेप्ट शुरू करा है इन्होंने। हम भारत की बात करें तो श्रीनगर में अभी दो अध्यापक और कई और मासूम भी जो है आईडी कार्ड देख के जो है हिंदुओं को सिखों को टारगेट किया जा रहा है। यही हाल पाकिस्तान में है और अभी लेटेस्ट जो है बांग्लादेश में भी इसी तरह की टारगेट किलिंग हुई है। नवरात्रि पर जो पंडाल लगाया हुआ था उसको भी उन्होंने जला दिया, मूर्तियां तोड़ दी और तकरीबन 8-10 लोग जो हिंदू थे उनको जो है वहाँ पर सरेआम मारा गया। ये विषय बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के संज्ञान में आया है और हम लोग जो है इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कर रहे हैं। इस तरह का कोई भी जिहादी आतंकवाद जो है विश्व हिंदू परिषद सहन नहीं करेगा। पूरी टारगेट किलिंग एक प्लान जो है प्लांट सारा जो है काम चल रहा है। एस्कॉन टेंपल के जो मतलब लोग हैं वो स्पेसिफिकली इनको जो है जिहादी लोगों को उनकी पार्टी करते हैं, इफ्तार पार्टी करते हैं, लेकिन इस्कॉन मंदिर को सबसे पहले जो है निशाना बनाया गया और इस्कॉन मंदिर के पुजारियों को भी जो है वहाँ पर जो है उनकी हत्या कर दी गई। आज हम लोग एसडीएम पौंटा साहिब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरह का जो जिहाद आतंकवाद है, जो टारगेट किलिंग है, वो विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। हमारी केंद्र सरकार से महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए और इस तरह का जो भी षड्यंत्र जो है हिंदुओं सिखों के खिलाफ चल रहा है उसको रोका जाए, उस पर कड़ी जो है कार्रवाई की जाए। अभी जम्मू कश्मीर में तो जो हमारी आर्मी है, सेना के जवान है, बहुत अच्छा जो है बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं और कल का आंकड़ा था मेरे ख्याल से 17 या 18 जो ये जिहादी आतंकवादी है उनको 72 रूरों के पास पहुँचा दिया गया है। आज 21 तारीख को पूरे भारतवर्ष में ये आह्वान हुआ है कि जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो टारगेट किलिंग का यह नया जो एक जिहाद चलाया गया है इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज संपूर्ण भारत में धरना प्रदर्शन और महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार से यह आह्वान करते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि अगर यह बहुत जल्दी ना रुका गया और केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई कठोर कार्यवाही ना करेगी तो विश्व हिंदू परिषद को बाध्य होना पड़ेगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया वह प्रत्येक नगर गांव और प्रांत स्तर तक करेगी, जिसके लिए अगर बाद में कुछ भी होता है तो स्थानीय प्रशासन शासन और प्रदेश और केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद या आम हिंदू समाज का कोई भी कार्यकर्ता जिम्मेदार नहीं होगा। यही आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ। सादर जय श्री राम। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पौंटा साहिब से दीवान शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर,
शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goelmotor.com पर।